वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका कजाकिस्तान की ट्रेन में। ये कजाकिस्तान है भाई, कजाकिस्तान में ये अलमाटी में हूँ मैं, अलमाटी सिटी में हूँ। अलमाटी से मुझे जाना है शमकेंट वाली ट्रेन में, जो कि अभी 3 घंटे बाद आएगी। अभी 3 घंटे हैं उस ट्रेन को आने में। यहाँ पे कोई अभी ट्रेन आई है और ये सब लोग उतर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म देखने आ गया। वैसे मैं वहाँ पे इस वाले पूरे रेलवे स्टेशन के अंदर था, पर मैं अभी प्लेटफॉर्म पे आ गया थोड़ा सा देखने के भाई क्या माहौल है, सर्दी वर्दी क्या है। बाकी अंदर तो मैं बैठा ही था रेलवे स्टेशन के, यहाँ पे थोड़ा देखने आ गया और आप लोगों को दिखाने कि मैं ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ, कितने पैसे लगेंगे, कैसे कैसे क्या है। अलमाटी से शमकेंट तक की पूरी जर्नी दिखाऊँगा। नाइट में जर्नी है, 13 घंटे की जर्नी है और मेरे लगे हैं टेंगे 3850। शुरू करते हैं। यहाँ पे बैठ के मैं अपना वेट कर रहा हूँ और ये भाई से मैंने ना हॉटस्पॉट लिया है और ये भाई यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन में, अपना जैकेट बिछा के ये नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और मैं अपने इनसे हॉटस्पॉट लेके हॉटस्पॉट से यूज़ कर रहा हूँ इंटरनेट। ऐसा कुछ है ये रेलवे स्टेशन, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, नीचे की साइड पे हैं सब लोग। ये देखो भाई, मैं तो दोपहर से ही आ गया था, अब जाके थोड़े अपने आसपास के लोग मिले हैं। ये भाई लुधियाना पंजाब से हैं, नाम बता दो भाई। हरदयाल से। हरदयाल भाई कश्मीर से, अंजार। कश्मीर से अंजार। अंजार भाई पाकिस्तान से, एहतशाम मुर्तजा। पाकिस्तान से भाई हैं। कश्मीर से आकाश। ये कश्मीर से भाई हैं। अब जाके थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, अपने आसपास के लोग मिल गए हैं तो अच्छा लग रहा है। ये भाई ने अभी कुछ खाने पीने के लिए रास्ते में पैक नहीं किया, भूख लग रही है इनको, तो चलो बाहर चलते हैं, अपन लेके आते हैं कुछ। चलो इनको भी ब्रेड वगैरह कुछ दिला लाते हैं, मैंने तो रास्ते के लिए रख लिया था पहले से ही। इनकी तो 42 आवर्स की जर्नी है आपकी, तो आप लोग क्या करोगे ट्रेन में? पहले कभी इतना लंबा सफ़र किया 50 घंटे का? नहीं, किसी ने नहीं किया। इनका पहली बार 42 आवर्स की इनकी जर्नी है। इनका अक्तूबे करके ये नाम की जगह पे जा रहे हैं और हम दोनों का सेम में है, सेम ट्रेन है और हम जा रहे हैं शमकेंद। और ये भाई तो बिना शमकेंद में रुके सीधे उज्बेकिस्तान निकलने वाले हैं। हेलो, यहाँ के लोग फ्रेंडली है। नहीं, मैं तो रुकने वाला हूँ, मैंने तो बुकिंग मार दी है शमकेंद की। पेड़ तो नहीं है? पेड़ नहीं है। फिर क्या हो गया? देखते हैं चलो, वरना फिर यार साथ में। मैं मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं अगर आया हूँ ना तो मैं उसको कवर कर ही लूँ, इसलिए मतलब मैं सोचता हूँ बाद में कर लो, एक दिन पहले वापस आ जाओ। मतलब नहीं, उधर से मैं ताजिकिस्तान निकल जाऊंगा, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान मेरा पूरा है, शमकेंद में है नहीं कुछ। मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ ना, हाँ फुल टाइम। चलो आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके लेने चलते हैं। चलो भाई के साथ चलते हैं, भाई को सुपरमार्केट से कुछ दिला के लाते हैं। ये भाई को भी मैं इस शॉप पे लेके आया हूँ, देखो इन्होंने ये वाला केचप लिया है और इन्होंने भी ये सेम ब्रेड लिया है। 480 टेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के ब्रेड है, पहले दिखा दिए मैंने तो पिछली बार। अब भाई लगभग 1 घंटा बचा है हमारी ट्रेन के लिए और हम दोनों यहाँ पे आके, भाई ने भी ब्रेड ले लिया है, ये ब्रेड और चटनी खा रहे हैं हम यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे खा रहा हूँ ये ब्रेड और चटनी, और इसके बाद हम अंदर जाएंगे वापस। बड़ा मज़ा सा आ रहा है बच्चा। ओके गुड, सॉफ्ट ब्रेड है ना ये वाला, और एक और था वो हार्ड वाला, वो बहुत सस्ता है पर हार्ड है बहुत, नान बहुत। कभी ना खाए। हाँ यहाँ पे खाना पड़ रहा है। 11:10 पे ट्रेन है अपनी 033 और अब 10:30 बजे यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नंबर आ गया, 3 नंबर से जाएगी। तो 3 नंबर मैंने पहले से ही देख रखा था, पाजी आ जाओ आपको मैं लेके चलता हूँ। 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म में देख के आया था अभी, और पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको भी दिखा दिया था, मैं उसी प्लेटफॉर्म पे इसीलिए गया था कि भाई देख लेता हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। इस तरह का रेलवे स्टेशन है भाई ये, अच्छा लग रहा है अभी, कंफर्टेबल लग रहा है। अपने अपने भाषा के भाई लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा सा ईजी लगता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ हमारे तो फिर भी 13 घंटे की ट्रेन है, वो भाई लोगों की 42 घंटे की ट्रेन है, 42 आवर्स। भाई साहब ये देखो भाई, यहाँ पे ये नाशपाती जैसा है, ये ठेला है ना, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, अभी लाइट वाइट जल गई है यहाँ पे, सेब और ये एक्सपोर्ट होता है। बूढ़ी नो नो ये 2 kg। हाँ ओके, ये देखो यहाँ पे ना सेब बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ये देखो हर कोच के लिए ना यहाँ पे एक कोच गार्ड होते हैं जो पूरा कोच संभालते हैं, पूरा वहाँ की क्लीनिंग से लेके सब कुछ वही संभालेंगे, टिकट चेकिंग क्लीनिंग सब कुछ वही संभालेंगे, ऐसे होता है यहाँ पे। एक ऐसा नहीं है एक ट्रेन के लिए एक वो होता है, ऐसे कोच नहीं होते यहाँ पे।
ये इकट्ठे हो गए थे, तीन लोग बात करने लगे, जबकि इनको अपने कोच के दरवाजे पे खड़ा होने की ड्यूटी होती है इनकी। तो ये पूरा उसका टिकट चेक करेंगे, मतलब एक कोच की पूरी जिम्मेदारी जो होती है ना, क्लीनिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कंबल वंबल है वो सब वो ये करते हैं। ये देखो अगेन एप्पल्स 13 मेरा नेक्स्ट है, मेरा तो ये 13 वाला मेरा 13 कितने हाँ, की थी ये इसके पीछे 13 मुझे आगे कह रहे हैं। हाँ तो आगे है ना आपका 16। चलो आप आगे सेटल हो जाओ आप, पहले आपसे कैसे पता चला? ये लिखा है ना इधर, आप देखो ये लिखा है ये विंडो पे 13। ओके 16 ओके बाय बाय सलाम वालेकुम। ये हमारे कोच गार्ड हैं इस बार, और मैं इनको एक टिकट दिखा के एंटर कर लेता हूँ अपनी, पहले सेटल हो जाता हूँ। रखमत मुंबई इंडिया दिल्ली मुंबई दिल्ली दिल्ली मुंबई दिल्ली ओके। उन्होंने चेक नहीं किया, बस पूछा कि आपके पास पासपोर्ट है ना, तो यहाँ पे ये देखो ये केटली ये कुकिंग वगैरह का होता है, यहाँ पे ये पीने का है। मैं दिखा दूँगा ट्रेन की जर्नी में, अभी दिन होएगा जब, अभी रात हो रही है, पूरी रात चलेगी अभी तो ट्रेन, उसके बाद दिन में भी मेरे को 12 बजे पहुँचा देगी ये। हेलो हेलो मेरा है 24 ये नहीं है ओके 24 ओके हेलो मेरा 24 अपर है यार, शायद ऊपर चढ़ना पड़ेगा 24। ये भाई इस तरह के कंपार्टमेंट है, ये एक फैमिली है, और यहाँ पे ना ये इस तरह की पैकिंग होती है, इसके अंदर सब लोग अपना तकिया वकिया ये सब निकाल रहे हैं। ये भी है ऊपर रखा हुआ है, ये रहा दिखाता हूँ मैं आपको, ये है इसके अंदर वो कवर वगैरह होता है, ये साथ में नहीं ले जा सकते, ये सब यहीं पे छोड़ के जाना होता है। पर ये अच्छा है, ये देखो यहाँ पे ये वाला कवर है वो करने का, और पिलो कवर है। ये देखो अपर कंपार्टमेंट की ना थोड़ी सस्ती होती है, अब मुझे समझ में आया क्यों सस्ती है, क्योंकि बैठने के लिए भी जगह नहीं है ऊपर, बहुत ही दो बुलंद का ही वो है, और यहाँ पे देखो इतने से लेके यहाँ तक का स्पेस है, ऊंचाई देखो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है, सेम यहाँ की भी काफ़ी है, सबसे नीचे वाले की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ पे बैठ भी सकते हैं इसीलिए, और ऊपर वाले में भाई साहब लेट भी जाओ तो ही ना आता, बस लेट ही पाएंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ अभी थोड़ी देर में, सब लोग सेटल हो रहे हैं कॉरिडोर में, यहाँ भी सब घूम रहे हैं, चेकिंग होगी स्टार्ट होगी उसके बाद निकलेंगे। ये जो पीछे बैठे हैं उन्होंने देखो मेरे को इतनी सारी टॉफी वॉफी दे दी, ये देखो सब लोगों ने अपना बिस्तर लगा लिया है, अब ये भाई मेरी शायद मेरे लिए हेल्प करेंगे, मेरा लगवाएंगे यहाँ पे, एक ये इसका एक ये लगाना पड़ता है, एक तकिए का गिलाफ लगाना पड़ता है, वो बहुत फ्रेंडली लोग हैं यार ये, मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे को बोले आप बीफ खाते हो बीफ, मैंने बोला ये मैं ना समझे हम, मैंने बोला कुकड़ू को बोले कुकड़ू को नो ओनली, मैं अपना बिस्तर सजा लेता हूँ अभी, इसके ऊपर ये एक गिलाफ चढ़ेगा और एक इसके ऊपर ये चढ़ेगा, और एक तौलिया सा देते हैं उसको यहाँ पे टांग के रख सकते हो आप, पर ये सोने के लिए थोड़ी सी कम जगह है, पर ठीक है मैं सेटल हो जाता हूँ पहले, मिलता हूँ अभी। इन्होंने मेरे को ट्रांसलेशन करके पूछा है कि आप काऊ क्यों नहीं खाते, यू डोंट ईट काऊ, गो गो नॉट, इनको मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं खाता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि नॉट लीगल इन इंडिया, नॉट लीगल इन इंडिया, और वैसे भी नहीं खाना चाहिए मतलब यार। अरे यार ऊपर वाले में बड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ। ये है भाई कुछ ऐसा सेटल हुआ हूँ, मूवमेंट मतलब हिलने तक का वो नहीं हो रहा, बस सोना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ भी नहीं सकते, इतनी भी हाइट नहीं है, कपड़े चेंज नहीं कर सकते, उतार नहीं सकते, सिर्फ नीचे उतर सकते हैं। यहाँ से देखो कोई स्पेस नहीं है, ये देखो यहाँ पे, तो ये देखो सामने वाला देख लो, अभी यहाँ पे एक भाई आने वाले हैं, मैं तो हो गया हूँ सेट भाई, कोई बात नहीं, इनसे हॉटस्पॉट लेके इंटरनेट भी चला सकता हूँ शायद मैं, लेट्स सी।
अब रेस्ट थोड़ा फील हो रहा है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। 9:30 बज गए हैं सुबह के। अच्छी नींद आई, हल्का हल्का एक दो बार उठा मैं रात में। अब जाता हूँ नीचे, दिखाता हूँ दिन में कैसा दिखता है कजाकिस्तान, और ट्रेन का सफ़र और ब्रश वगैरह वो सब कर लेते हैं। यहाँ पे पता नहीं दरवाजे पे खड़े होने देते हैं कि नहीं, मेरे को दरवाजे पे खड़ा होना बहुत पसंद है, पर मैं रेकमेंड नहीं करता, मत किया करो। ये तो जागे हुए हैं, ये सो रहे हैं ये भाई अभी भी। वो देखो साइड में बैठने की जगह है, वहाँ पे बैठेंगे हम। अभी मैं पहले तैयार कर लेता हूँ एक छोटा सा बैग, जिसमें ब्रश वगैरह है इसमें से निकाल के, छोटा बैग जरूर रखो हमेशा इसीलिए। गुड मॉर्निंग। ये देख लो भाई ऐसा दिखाई देता है पूरा, ये घोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, घास वास है पूरी खाली है, मतलब पूरा एकदम। अगर रोड से भी आओगे तो ऐसा ही लैंडस्केप दिखाई देगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार रोड से भी हिचहाइकिंग करेंगे, पर मंगोलिया हो यहाँ का, इधर के जहाँ भी जो भी सब है ना, सब ऐसे खाली खाली हैं एकदम, सिटी हैं बस, जो भी है सिटी में दिखाई देगा। बाकी ये कॉरिडोर है, कुछ लोग उठ गए हैं, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं। मैं जाके वॉशरूम जाता हूँ। वॉशरूम ओके, चलो वॉशरूम चलते हैं। ये इस तरह का वॉशरूम है भाई यहाँ पे, और पानी पता नहीं आता है कि नहीं, पानी इसमें तो आ रहा है। ये शीशा है यहाँ पे, ये है छोटा सा वॉशरूम इनका, दरवाजे नहीं खुलते हैं इनके ट्रेन चलती है तो, पर ये कॉरिडोर वगैरह है, खड़े होके टोलगेट कर सकते हैं। चलो मैं टोलगेट कर लेता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ। ये कुछ कपड़े बेचने आए हैं, कपड़े बेच रहे हैं यहाँ पे, कपड़े क्लब सॉक्स कैप। मैं तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर देख रहा हूँ लगा के थोड़ा सा, मिर्ज़ापुर 2 अभी तक नहीं देखी, कब की मैंने डाउनलोड करके रख रखी है पर अभी तक नहीं देखी। मेरा थप्पड़ मारे कॉरिडोर में बैठा हूँ, कोई आ रहा है कुछ सेल कर रहे हैं, सब ही हो रहा है पर मज़ा आ रहा है। ये धरती थप्पड़ दिखती है, किस किस को पसंद है मिर्ज़ापुर बताओ। अभी तो भी बहुत ज़्यादा डार्क लगती है पर ठीक है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें ज़्यादातर नेगेटिव होती हैं वैसे, पर एंटरटेनमेंट तो होता है, पर थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत डार्क भी होता है। ये देखो जुराब बेचने आए हैं, सॉक्स वो लेने, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी यहाँ पे, क्योंकि वो है ना सर्दी का, सर्दी का ही वेदर रहता है हमेशा ठंड का, इसीलिए क्वालिटी बहुत इन सब के कपड़ों की बहुत अच्छी होती है। ये देखो ये एक स्टेशन आया है कुछ ख़रीदने के लिए लोग, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ही ज़्यादा खरीद रहे हैं यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है यहाँ का स्टेशन, देखो फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पे। सेब वगैरह तो ज़्यादा होते हैं, फ्रूट्स ये पता नहीं क्या है, कमेंट में लिख दो ये पता नहीं क्या है, इंडिया में होता है या नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स। मोमो मानते 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 मानते। अच्छा सिगरेट यहाँ पे हर कोई पीते हैं लगभग, तो सिगरेट के लिए ब्रेक होता है, सब लोग इससे उतरते हैं और सिगरेट पीते हैं, जितने भी सारे स्टॉप हैं ना सब पे। रात को तो मैं नहीं देख पाया, अभी यह मेरा पहला स्टेशन जिस पे मैं उतरा हूँ, अभी एक घंटा और बचा है मेरे वाले स्टेशन के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स है,
लेस का पैकेट है, बाकी वही कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं जो हमारे यहाँ पे होती हैं ये सब, और चाय होती है इनकी एक फेमस चाय। ये है भाई यहाँ का माहौल। अस्सलाम वालेकुम। दूध स्मेताना, पता नहीं क्या है सर, खाली सही है स्टेशन। ये देखो अभी इन्होंने हमको ये बेर जैसा कुछ खिलाया था, ये बाहर भी करे थे काफ़ी, अब ये मुझे ये दे रहे हैं। हाँ कुर्त, ये होता है वो योगर्ट, सूखा दही। हाँ हाँ मिल्क, यस मिल्क से बना हुआ योगर्ट का होता है, और ये यहाँ पे बहुत खाते हैं, ये सूखा होता है, ये पूरा मंगोलिया में आपको ये कई जगह पे मिलेगा। चलो इसको पहली बार अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, सेंट्रल एशिया में ये बहुत फेमस है। मेरे को पसंद नहीं आया। स्वाद बेकार थी, ये लोग पता नहीं कैसे खाते हैं, मेरे को ये खाना पड़ रहा है अब इसको चालू। ये देखो जो कोच के अटेंडेंट होते हैं ना, उन सबको ये वापस करना होता है, ये जो होता है शीट, तकिए का गिलाफ, तो ये सब मैंने अपना पैक कर लिया जो इन्होंने शुरुआत में पैकेज दिया था, अब ये वापस करके आना है। अभी ओके, ये बोल रहे हैं वापस करके आ जाओ, मैं इनको वापस करके आ जाता हूँ, फिर मैं रेडी हो जाऊँगा ये सब के लिए। ये हेलो शमकिन, यस हेलो, शमकिन आने वाला है। अच्छा चलो, मैंने वैसे देते हुए ना ये रिकॉर्ड कर लिया कि भाई मैंने तो दे दिया इनको बस ऐसे देना होता है, फॉर्मेलिटी होती है, मतलब ये खुद भी ले जाते हैं, पर खुद से दे दोगे तो और अच्छा रहता है कि कोई गायब तो नहीं हुआ ऐसे। उन्होंने चेक भी नहीं किया, तीन चार कपड़े होते हैं, एक शीट होती है, एक ओढ़ने का होता है, एक तौलिया होता है, ये सब होता है। अब मेरा आने वाला है स्टेशन। ये देखो यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी है, ऐसा कंफर्टेबल था, इस तरह की ये भी बनी होती है। वाह भाई पहुंच गए भाई शमकेंट में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। इसकी जर्नी मैंने दिखाई, मेरे टेंगे लगे थे। अक्टूबर की ये ट्रेन होती है, मतलब शमकेंट रास्ते में आता है, और मेरे टेंगे लगे थे 3850 3847, मतलब उससे एप्लीकेशन से, अगर कास्पे की एप्लीकेशन से अगर आप करोगे पेमेंट तो 3847 लगेगा आपका टेंगे, यानी कि 700 रुपये हो गया शायद कुछ, 5.7 से डिवाइड करके देख लो। अब मैं यहाँ पे 2:20 की लोकेशन लगाता हूँ और देखता हूँ मैं कितनी दूर मुझे अभी जाना है। वैसे मैंने हॉस्टल भी यहाँ पे बुक कर रखा है, पर एक इंडियन भाई से भी बात कर रखे, देखते कहाँ पहुँचता हूँ, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का कुछ रेलवे स्टेशन है, बताना अगर आपने भी सेंट्रल एशिया में कोई ट्रेन ली है कभी तो कमेंट में। बाय बाय।